ये भी पूरी वॉल है, वो आगे तक वहां से ये घूमते हुए सारे में 36 किलोमीटर लेंथ है इसकी। थक गया, सांस फूल रही है। हे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अभी हूँ राजस्थान, और अभी मैं जा रहा हूँ उदयपुर से कुंभलगढ़ की ओर, जो 99 किलोमीटर दूर है उदयपुर से। तो बेसिकली अभी जिस रास्ते पर अभी मैं चल रहा हूँ, ये हल्दी घाटी के लिए रास्ता आगे से कट जाएगा, जो महाराणा प्रताप की मातृभूमि थी, जो काफ़ी दिनों तक तो उन्होंने मतलब अपनी लड़ाई करते, काफ़ी काफ़ी राजाओं से लड़ाई हुई है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई हुई है, यहीं से आगे से कट जाता है ये रास्ता। तो उदयपुर से ये लगभग 43 किलोमीटर की दूर है, और सबसे ज़्यादा ये फेमस हल्दी घाटी इसलिए फेमस है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई थी 1576 में। ठीक है, वैसे इस जगह को गोगंद भी कहते हैं, जो यहाँ के लोकल पीपल है वो इस जगह को गोगंद कहते हैं। वो बाकी जो बुकिश और अपने गूगल पे जो है फेमस है, वो हल्दी घाटी के नाम से फेमस है। तो अकबर के टाइम में एक महाराणा प्रताप ही एक ऐसे जो राजा थे जिन्होंने कभी भी मतलब उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया ही नहीं। बात आती है कुंभलगढ़ के किले की। तो ये वैसे तो बेसिकली किला देखा जाए तो घाटियों और वैलीज और हिल्स के ऊपर बसा हुआ है, तो इसलिए इसे किले के ऊपर ज़्यादा आक्रमण वगैरह भी नहीं हुए थे, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको अजयगढ़ के नाम से भी ये ज़्यादा मशहूर है। और ये जो पोल पड़ा है अभी, जैसे अभी आपने देखा, तो पूरे राजस्थान में क्या उदयपुर में ही सारे जितने भी बड़े बड़े जितने भी गेट हैं ना, उन्हें पोल कहते हैं। वैसे तो इस किले के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, हिंदू मंदिर है, जैन मंदिर है। तो बताते हैं यहाँ के लोकल पीपल की इस मंदिर के अंदर एक टाइम में 100 से ज़्यादा मंदिर होया करते थे, और जो इसकी कंस्ट्रक्शन जो शुरू करवाई थी वो देखा जाए तो अशोक के दूसरे बेटे ने शुरू करवाई थी, और जो कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई थी वो राणा कुंभ ने ख़त्म करवाई थी। उसके बाद उन्होंने इसके नाम के अपने राज्य में सिक्के भी बंटवाए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो कि मतलब ये कुंभलगढ़ का किला क्यों फेमस है, वो इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी दीवार की वजह से। वर्ल्ड की सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट दीवार है, जो 36 किलोमीटर की है, और जो ये इसकी ऊंचाई है कुंभलगढ़ के किले की, वो 3600 फिट है सी लेवल से, जो अरावली रेंज पे है अपनी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप जी, उनका बर्थ प्लेस भी यही है। और ये वैसे तो देखा जाए तो अभी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो राजस्थान के अंदर है, और 15वीं सेंचुरी के अंदर ये राणा कुंभा ने इसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म करवाई। छोटी छोटी दीवारें हैं, छोटी 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 सी गलियां हैं। आप अगर इन गलियों में से जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, देखने वाली चीज़ें काफ़ी, मतलब एरियल भी जो है ना वो देखने वाला है। यहाँ पर देखने वाला सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है, देखने वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। सामने की साइड दो मंदिर है, एक वो है जगह, उसका मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है। ये कुंभलगढ़ का फोर्ट हो गया। आप जब भी आए, सुबह आए यहाँ पर, आप दोपहर में आओगे तो एटलीस्ट आपको 2.5 घंटा लग जाएगा आपको आने में, 2.5 घंटे आने का, 2.5 घंटा जाने का। उदयपुर से 2.5 घंटा वे खपरा है।
वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल, और ये उसकी सीढ़ियाँ है, ये वॉल है, ये सीढ़ियाँ ऊपर तक जाना है, ये भी पूरी वॉल है, वो आगे तक वहाँ से ये घूमते हुए सारे में 36 किलोमीटर लेंथ है इसकी। क्या सांस फूल रही है।